मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के बैनर तले आज खंडवा के पटवारी भी सड़क पर उतरे। इनका कहना था कि हमारी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जबकि अतिरिक्त कार्य हम पर सौंप दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे दायित्व बढ़ गए हैं। ऐसे में हमारी मांगों को माना जाना चाहिए। इन्होंने यहां ज्ञापन देकर अपनी मांग प्रमुखता से रखी, साथ ही कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर आए हैं, जायज मांगों को सरकार ध्यान से सुने। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर जिला स्तर पर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। वर्ष 1998 से मध्य प्रदेश में पटवारियों की वेतन मान की जो मांग है वो लंबी है। शासन के द्वारा उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में शासन के द्वारा MPLRC की धारा 129 में संशोधन कर करके सीमांकन के कार्य भी पटवारियों को सौंप दिए गए हैं, और अभी प्रदेश स्तर पर राजस्व निरीक्षकों के प्रमोशन करके उनको प्रभारी तहसीलदार ASLR बना दिया गया। ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश के अंदर हमारे खंडवा जिले के अंदर ही आज RIO के पद खाली हो गए हैं, और पूरा कार्य पटवारियों का जो अपना कर्तव्य है वो तो पटवारी अपने कर्तव्य कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये अधिक अतिरिक्त कर्तव्य जो ये हम लोगों के उसमें जुड़ गया है, जिसका कि सीमांकन एक ऐसा महत्वपूर्ण काम है। खंडवा जिले के अंदर ही TSM मशीन है कि जिसकी बैटरी खराब हो गई है। हर तहसील के अंदर एक एक TSM मशीन है, उसकी बैटरी खराब हो गई है और सीमांकन अभी भी बंद है। कई बार बोलने के बाद भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए थे। इसी को लेकर के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने जिला स्तर पर ज्ञापन दिया है और सरकार से निवेदन किया है कि जो हमारी समान कार्य समान वेतन दिया जाए। 2800 वेतनमान RI को दिया जाता था, अगर हम लोगों को सीमांकन कार्य कराया जाए तो हमको भी 2800 वेतनमान दिया जाए। यही मांग को लेकर के आज हम लोगों ने जिला स्तर पर ज्ञापन दिया है। परिचय, मैं अश्विन सैनी, मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला अध्यक्ष और प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ।